इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद तनाव फैल गया है। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि वर्ग विशेष के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इस मामले में कार्यवाही न करने पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर थाने का घेराव कर दिया। उनका कहना था कि जब महिलाएं मंदिर में माता की पूजा के लिए गईं, तो उन्हें धमकाया गया कि मंदिर यहां से हटा दो वरना कोई नहीं बचेगा। दरअसल चंद्रनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बाग में 40 साल से भी ज्यादा पुराना शीतला माता मंदिर है। उसका जीर्णोद्धार हो रहा है और मंदिर से जुड़ी महिलाएं वहां साज सज्जा भी करा रही हैं। इस बीच वहां वर्ग विशेष के कुछ युवक पहुंचे और महिलाओं से विवाद करते हुए कहा कि मंदिर सिरपुर तालाब की तरफ बनाओ, यहां हम मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होने देंगे, और काम रुकवा दिया। महिलाओं ने घर पहुंचकर परिवार के लोगों को काम रोके जाने की जानकारी दी। इसके बाद हिंदू संगठन को भी इसकी सूचना मिली तो वे चंदन नगर थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विवाद ना बढ़े इसलिए मंदिर और बस्ती में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना चंदन नगर क्षेत्र में ग्राम बांक में एक शीतला माता मंदिर का निर्माण के दौरान में एक विवाद की स्थिति बनी है, जिसमें जो फरियादी हैं उनकी तरफ से एक मारपीट का और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा बनाया जा रहा है जी। वहाँ पर कुछ कॉलम और पिलर डाले जा रहे थे, जिसके विरोध में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध जताया गया, जो कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण में वहाँ पर इस प्रकार से झड़प हुई, जिसके बाद ये लोग थाने पर रिपोर्ट करने के लिए आए थे और उसमें मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है जी। थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, उसी का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है।